गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे अगेन आई हैव ब्रॉट सम न्यू थिंग्स फॉर यू इन विच यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स एज वेल एज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. सो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर की. जिस तरीके से हम अगर बताना चाहें फ्यूचर के बारे में, तो कई बार क्या होते हैं हम अटक जाते हैं. अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से बताना फ्यूचर को, तो बताना बहुत आसान है. वैसे तो हमें मालूम है कि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, कल हो ना हो. आप इस बात को भी इंग्लिश में कह सकते हैं, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. फ्यूचर इज़ अनसर्टेन मीन्स होता है कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं. तो आज मैं बता देता हूँ आपको फ्यूचर के बारे में कि किस तरीके से हमें बताना है, और उसके बाद आप किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अकेले बैठकर भी. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फ्यूचर को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का यूज़ करना है, वो है विल. विल लगा के आप फ्यूचर बता सकते हैं, ये काम मैं करूँगा. जैसे हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो ये हेल्प ही करती है इंग्लिश को बुलवाने में. अगर हमें इसके बारे में मालूम है तो हम इजीली फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं. तो जैसे कि पहले कई लोग ऐसा भी थे कि यूज़ करते थे शैल का, लेकिन आज के समय में शैल का यूज़ इतना नहीं होता है. बहुत रेयर चांसेस है जहाँ पर आपको शैल मिलेगा, इसलिए ज़्यादा शैल का यूज़ नहीं हो पाता. तो इसलिए आज हम बात करेंगे सर विल से ही फ्यूचर के बारे में. जैसे कि अब मैंने एक प्लान किया है कुछ नया करने का, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नया करूँगा. तो अभी किया नहीं है लेकिन करूँगा. तो अगर मुझे कहना है ये बात इंग्लिश में, तो मैं कैसे कहूँगा, बड़ा आसान तरीका है. तो मैं कहूँगा आई विल करना डू न्यू, मतलब नया थिंग, कुछ नई चीज़ करूँगा, कुछ नई बात लेकर आऊँगा, कुछ नया करूँगा. आई विल डू न्यू थिंग. और आप ये भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि मैं इनोवेट करूँगा, कुछ नया विचार लेकर आऊँगा, कुछ नई चीज़ लेकर आऊँगा, तो मैं इनोवेट करूँगा. तो आप कह सकते हैं आई विल इनोवेट. अगर कहना है तुम करोगे तो यू विल इनोवेट, हम करेंगे तो वी विल इनोवेट, वे करेंगे तो दे विल इनोवेट, अगर वो करेगा तो ही विल इनोवेट, वो करेगी तो शी विल इनोवेट. तो जो भी करेंगे, आप करें या कोई भी करे, तो सिर्फ आपने एक विल लगाना है. अगर मुझे आपसे पूछना है, अब मुझे आपको नहीं मालूम है कि आप कुछ नया करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप कुछ नया करेंगे तो विल यू इनोवेट, क्या वे कुछ नया करेंगे तो विल दे इनोवेट, क्या वो कुछ नया करेगा तो विल ही इनोवेट. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं. अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो कुछ नया का, तो आप कह सकते हैं आई विल इनोवेट, नहीं करेंगे तो आई विल नॉट इनोवेट. जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं आई वॉन्ट. विल नॉट के लिए आप वॉन्ट लगा सकते हैं, आई वॉन्ट इनोवेट, यानी कि मैं इनोवेट नहीं करूँगा. अब जैसे कहीं आपका जाने का प्लान नहीं है, तो आप कह सकते हैं मैं नहीं जाऊँगा तो आई वॉन्ट गो, हम नहीं जाएंगे तो वी वॉन्ट गो, वे नहीं जाएंगे तो दे वॉन्ट. तो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर का बता सकते हैं. तो बड़ा ही आसान है. आप अगर कुछ भी प्लान कर रहे हैं कल करने का, तो मैं आपको एक बता देता हूँ. अगर सपोज कीजिए आपका कोई बर्थडे आ रहा है, तो आप उसको किस तरीके से मनाएंगे, तो आप इसके बारे में सोचना कि क्या क्या करेंगे. जैसे आप बता सकते हैं कि माय बर्थडे कम्स, जो भी डेट है आप वो बता सकते हैं, उस डेट को बताएं. उसके बाद स्टार्ट करें कि आई विल वेकअप. अब आपने देखिए शुरुआत उठने से ही होती है, तो आपने क्या लगाना है, विल लगाना है आई विल वेकअप इन द मॉर्निंग. Then I will do my all morning activities and also have a shower. After having shower, then I will go to temple. After coming from temple, I will do my other works and also invite my all friends, relatives and enjoy with them. तो इस तरीके से आप अपना फ्यूचर बता सकते हैं, और आप किसी भी टॉपिक को बताने में आपको कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी बताना अगर आपने फ्यूचर से ली. तो चलिए खे मतलब आज के लिए इतना ही काफ़ी है. तो और भी डिस्कस करेंगे नई चीज़ों के साथ. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें. थैंक यू.